अगर ये फूलन देवी बन गई ना, तो इन जैसे बलात्कारियों को, हर लड़की अगर फूलन देवी बन गई, इन जैसे बलात्कारियों को जमीन पे रोन देगी हर बेटी। इन्हें दुर्गा माँ मत बनाइए और इन्हें मत मजबूर कहिए कि अपने हाथ में हत्या ले ले, और जो भी हम पे वार करे, बेटियों पे वार करे, वो सबसे पहले उनका सत्यानाश कर दे। पुलिस के सामने ही ये सब हुआ है। आखिर पुलिस कहाँ गई है? कहाँ कानून है? कहाँ सरकार है? अगर ऐसा पुलिस अपना काम करती तो आज बेटियों के साथ ये गलत काम नहीं होता, उनके साथ शोषण नहीं होता और बलात्कार नहीं होता। उनके बाप को भी मार दिया, बेटी के बाप को भी मार दिया गया, उन्होंने एक्शन लिया था कि मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, उसके भाई को भी मार दिया। ऐसा क्यों? अगर पुलिस अपना काम करती तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी बलात्कारियों की कि बेटी के साथ शोषण करते, बलात्कार नहीं होता। सरकार अगर अच्छा काम करती तो ये बलात्कार नहीं होते। अगर पहले से एक्शन लेती, हाथरस से लेके और जगह जगह जितने भी ये बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये बलात्कार रुक जाते दोषियों को, अगर पहले से सख्त सख्त सजा होती और उन पर कार्रवाई की जाती। ऐसा मोदी जी नहीं कर रहे, आखिर क्यों नहीं कर रहे? क्यों उन्होंने चुप्पी साध रखी? यही सब देश उनसे ये पूछना चाह रहा है, और संसद में भी वो कुछ बोल ही नहीं रहे। संसद विपक्ष चाह रहा है कि वो कुछ बोले। मोदी जी बोलने कहाँ दे रहे हो? कांग्रेस वाले उनको बोले नहीं दे रहे मोदी जी को संसद में ही। मोदी जी के अगर मुंह है तो मोदी जी बोले ना, मोदी जी को कौन रोकेगा? वो तो पीएम है, प्रधानमंत्री है देश के, उनको बोलना चाहिए। आखिर मणिपुर के ऊपर बोलना चाहिए, उनको क्यों नहीं बोल रहे वो? उनकी ऐसी क्या चुप्पी साध रखी है उन्होंने, या क्या किस दबाव में है सरकार? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। जब भी बेटियों के साथ कुछ होता है वो बोलते ही नहीं है, आखिर चुप रहते हैं। कब तक आखिर मोदी जी ऐसे चुप रहेंगे? ना ही सरकार अपना कुछ काम कर रही है और ना ही पुलिस अपना कुछ काम करती है। लेडीज़ को और बेटियों को इतना कमज़ोर मोदी जी ना समझे। मोदी जी बलात्कारियों के साथ है, बेटियों के साथ नहीं है। एक नारा उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी नहीं बच रही। अब नारा ये रह गया, मोदी हटाओ, देश बचाओ और बेटी बचाओ, बस यही नारा अब रह गया। योगी जी तो पैर पूजते हैं लड़कियों के कन्या पूजन में, ये सब एक नौटंकी है, एक लोग दिखावा है। अगर वो पैर पूजते हैं तो आज बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्यों बेटी रोड पे है? क्यों बेटियों के साथ बार बार गलत काम होता है? क्यों बलात्कार होता है? क्यों उनको वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है? एक सम्मान नहीं किया जा रहा बेटियों का? आखिर क्यों इन्हीं के राज में इस कदर हो रहा है? इतनी घटनाएं हो रही है, किसी और सरकार में होती घटना तो सबसे पहले जंतर मंतर पे इन्हीं के लोग आके यहाँ हल्ला बोलते। आज सुमित ईरानी कहाँ है? ना सुमित ईरानी बेटियों के लिए कुछ बोले, कोई भी नेता कोई भी नहीं बोल रहा बेटियों के लिए, इंसाफ के लिए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मोदी जी हिंदू की बेटी की शादी गलत हो रहा है, हिंदू कहाँ से मजबूत हो रहा है? ये कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू राष्ट्र खाने के लिए देगा? आज बेटी सुरक्षित नहीं है हिंदू राज में, ये कहाँ से हिंदू राज की बातें करते हैं? मंदिर बना दिया इन्होंने, क्या घंटा बजाएंगे वहाँ जाके? रोजगार नहीं है, मजबूत नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक नौटंकी है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स होती है इनकी, यानी कि राजनीति होती है सिर्फ, ये राजनीति। कांवड़ लाए लोग, फूल माला बरसाएं हेलीकॉप्टर से, हाथ पैर दबाए हैं कांवड़ियों के, और क्या चाहिए युवाओं को? हमें ये चाहिए कि बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले। उनको फूल मालाओं से क्यों होती है? फूल मालाओं से उनका स्वागत क्यों होता है? उनको बलात्कारियों को भी तो सजा होनी चाहिए ना, फूल मालाओं से क्यों करते हैं वो उनका स्वागत, जो बेटी के साथ यौन शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं? हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि मोदी जी उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, कि कल किसी और बेटी के साथ में ऐसा ना हो। दिन ब दिन ये घटना होती जा रही है, आखिर ये घटना हम कब तक सहेंगे? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? बेटी को नंगा करके घुमाया गया है और उस पर कोई भी मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया, कोई अभी कार्रवाई नहीं की है। मोदी जी पता नहीं क्यों चुप्पी साध लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो विदेशों में घूमते हैं, उन्हें विदेश जाने के लिए तो टाइम मिल जाता है, लेकिन देश की बेटी के साथ इतना गलत हो रहा है, यहाँ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्यों नहीं बोलते आखिर मोदी जी क्यों नहीं ऐसा बोलते? क्यों नहीं ऐसा मतलब कुछ एक्शन लेते, या दोषियों को क्यों नहीं फांसी होती? हम सिर्फ यहाँ आए हैं जंतर मंतर के मोदी जी हमारी बात सुने, महिलाओं की बात सुने और बेटियों की सुने, और यहाँ क्या नाम उनको दोषियों को, जो वो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए। 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं मणिपुर वाले मामले में, जिस पे आरोप है कि नग्न घुमाया, शोषण किया लड़कियों का। जी, नंगा घुमाया और शोषण किया लड़कियों का। गिरफ्तार कर लेंगे ना 7 लोग? गिरफ्तार तो सर हो गए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके हमारी लेडीज़ों की और हमारी बेटियों की मांग है उनको फांसी हो। जब तक उनको फांसी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो कोर्ट अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम कर रही है मणिपुर में? मणिपुर में पुलिस अगर काम करती तो आज बेटियों के साथ नंगा करके बेटियों को नहीं घुमाया जाता। देखिए, सजा उन्हें तब होती जब उन्होंने बलात्कार किया था बिल्किस बानो के साथ, और वो जेल के अंदर थे, उन्होंने जेल के बाहर निकाल
दिया, ये फूलों की मालाओं से स्वागत करते हैं, लड्डू बांटते हैं मोदी जी। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं, लाल किले से कहा था मोदी जी ने। मोदी जी के जितने भी सारे ये वादे थे ये सारे एक जुमले थे, ये मोदी जी ने अब तक जितने भी किए हैं सारे ये जुमले झूठे ही किए हैं, वो झूठे वादे करते हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा, उनसे सरकार ही नहीं चल रही, आखिर उनकी समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, अगर देश के पढ़े लिखे अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद देश चल जाता, आज देश नहीं चल रहा, आज देश बहुत पीछे हो चुका और हमारा देश डूब चुका है। लेकिन मोदी जी ने परसों कह दिया है कि हम देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, टॉप थ्री में ले आएंगे इंडिया को, एक बार चुनाव और जिता दीजिए हमको। ये सब मोदी जी चुनाव में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सन 2024 की उन्होंने तैयारी करेंगे, झूठे जुमले हैं, झूठे वादे हैं, अभी तक उन्होंने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, लड़कों को भी जो युवाओं को रोजगार नहीं दिया और आर्मी में भी भर्ती नहीं दी, सब रोड पे आ गए थे। अग्निपथ स्कीम लाए, वो अग्निपथ स्कीम में तो भर्ती हो रही है चार साल के लिए हो रही है ना, वो हो ही नहीं रही है, पहले तो काफी साल तक भर्ती रहती। लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है और सही, देश डूब नहीं रहा, देश आज मजबूत हो रहा है। अगर देश मजबूत हाथों में होता है ना तो हर बार मोदी सरकार के खिलाफ धरना नहीं होता, कभी बेटियों के ऊपर धरना लगता है। वो तो आंदोलनजीवी हैं आप जैसे लोग। आंदोलनजीवी नहीं, जब बेटियों के साथ गलत हुआ है, जब वीडियो वायरल हुई है, ये क्या गलत है, ये जब उनके साथ में सच्ची घटना हुई है तो ये जब एक्शन नहीं लेगी सरकार तो वो तो आंदोलन तो होएगा और सरकार के खिलाफ होएगा आंदोलन, और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक फांसी की सजा नहीं होगी, बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि बेटी नहीं 50 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं है मोदी सरकार में। लेकिन ऐसे मामले तो राजस्थान में भी आ रहे हैं और वहाँ बंगाल में भी आ गए हैं, आप उन पे तो नहीं बोलती हैं, बिहार में भी ऐसी घटना हुई है। बिहार में नंगा करके तो नहीं घुमाया गया है ना, राजस्थान में नंगा करके बेटियों को तो नहीं घुमाया गया पुलिस के सामने या किसी के सामने, बहुत फर्क है, अगर वहाँ ऐसा होता तो वहाँ की कांग्रेस सरकार है वो एक्शन लेती है, बंगाल सरकार भी एक्शन लेती, बाकी मोदी जी नहीं लेते, ये तो फूल मालाओं से बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। लेकिन देश में डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, माफिया भाग गए हैं जमीन छोड़ करके आसमान में चले गए हैं, युवा बहुत खुश हो रहे हैं, आप मान लीजिए। देखिए हमें कोई नहीं लगता, कोई खुश नहीं है यहाँ पे, और जो भी ऐसा है जो इन्हीं की सरकार में है तो अब्दुल टाइट कर रखे हैं इन्होंने, कोई टाइट वाइट नहीं हो रहा है, सारे दोषी बलात्कारी और जितने भी हैं ये क्राइम जितने भी कर रहे हैं ये सारे इनकी सरकार में तो हो ही रहे हैं, इन्हीं के तो लोग हैं। महिला को राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी महिला को, वो तो सबको अधिकार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं आदिवासियों को भी, तो यहाँ की बेटियों को क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं, वो जो बलात्कार कर रहे हैं उनको क्यों सम्मानित कर रहे हैं, जिस बेटी के साथ में हो रहा है उनको सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा, पहलवानों के साथ में ऐसा हुआ था, यौन शोषण का आरोप लगा था, उनको कोई सपोर्ट नहीं करी मोदी जी ने, चुप बैठे रहते हैं, वो कुछ कहते ही नहीं है। दिल्ली पुलिस अपना काम करती रही है उस मामले में, काम तो करती रहेगी, जांच भी होती रहेगी, कुछ नहीं होएगा, एक्शन नहीं लिया जाता, अभी वो सीमा जी आई है, सीमा के ऊपर इतना वो उसको स्टार बना दिया, सनातनी भाभी है वो, सनातनी राष्ट्रीय भाभी बना दिया, वो मीडिया ने बना दिया, वो शायद मीडिया ने इसलिए बनाया है सीमा हैदर को राष्ट्रीय भाभी, क्योंकि ये मणिपुर का जो मुद्दा था इसको दबाने के लिए सीमा को टीवी पे दिखाया गया, अगर ये बात दिखाते तो बहुत जल्दी दोषी गिरफ्तार हो जाते, बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता, ये मीडिया की भी कहीं ना कहीं गलती रही है इसमें, और मीडिया अपना सही से काम नहीं करती, अगर मीडिया अपना काम कर ले टीवी वाले तो ये बहुत जल्दी सरकार भी समझ जाए और ये दुनिया में जो हो रहा है ये यहाँ जो हो रहा है ये गलत ना हो किसी के साथ भी, किसी की बेटी के साथ भी। मोदी जी ने कह दिया कि जो इंडिया बना है, गठबंधन बना रहे हैं ना, ये इंडियन मुजाहिदीन भी इसमें आ जाता है और इंडियन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उससे जोड़ रहे हैं इसकी इंडिया जो महागठबंधन को, ये मोदी जी जोड़ रहे हैं, सिर्फ गठबंधन जो हो रहा है ये सरकार एक हो गई, अब जाग चुकी है, मोदी जी को हटाना है, देश बचाना है। अरे मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, फ्रांस तक जा रहे हैं, ये मोदी जी का डंका सिर्फ टीवी पर बज रहा है, उनकी जो मीडिया है ना गोदी मीडिया सिर्फ वो ही डंका बजाती है, बाकी कोई भी डंका नहीं बज रहा मीडिया। अमृतकाल है मैम, अमृतकाल इन्हीं के में मरे पड़े हुए हैं, रोजगार है नहीं युवाओं को, यहाँ पे इतना गलत हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो गया, आज दूध की थैली देखो 23 रुपए की हो गई, कांग्रेस सरकार में 20 रुपए की मिलती थी, 70 साल तक जो कांग्रेस ने किया है ना 70 साल में पेट्रोल 120 तक का नहीं हुआ 70 साल में, आज मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर 9 साल हो गए शायद 9 साल के अंदर कहां से कहां पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर हो चुके हैं, 120 को मिल रहा है, वो सरकार ने नहीं करा था, सरकार ने कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ दिया है जबकि मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे यौन शोषण बेटियों के साथ में वो दिया, बलात्कारियों को सुरक्षा मिल रही है, बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। जैसे मणिपुर वाली बात भी आती है, मणिपुर का मुद्दा जब उठा, जब 3 महीने बाद में वीडियो आया
और तीन बार वीडियो नहीं आता, मोदी सरकार कुछ भी नहीं करती। लोग कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी घटना हुई है, वीडियो और आएंगे यदि इंटरनेट चालू हो जाता है। बिल्कुल आएंगे सर, वो 3 महीने पुरानी घटना है जिसके लिए लोग उधम मचा रहे हैं। और इनकी राजस्थान की और या बिहार की या बंगाल की जो घटना है वो 2-3 दिन पुरानी घटना है। वो घटना मणिपुर वाली घटना अगर उसमें नहीं आती, वीडियो वायरल नहीं होता तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलते, और आज भी उसके ऊपर नहीं बोले।